तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन हॉरर और थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है क्रूसिफिक्शन और इस मूवी को IMDb के द्वारा 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं, लेकिन 72% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। मैं आपको इस मूवी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इस मूवी में ये बताया गया है कि एक फादर और 7 नन मिलकर एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करते हैं, लेकिन एग्जॉर्सिज्म के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है और इसका सारा इल्ज़ाम आ जाता है उन फादर उन सिस्टर के ऊपर। लेकिन एक जर्नलिस्ट इस केस को रिसर्च करने के लिए जाती है और जब वो इस केस को रिसर्च करती है तो उसे डेमन एग्जॉर्सिज्म के तरीके और स्पिरिट्स के बारे में पता चलता है। तो अब मूवी में हमें देखना होगा कि इस मूवी में डेमन जीतता है या फिर गॉड। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है 2004 के रोमानिया के एक चर्च से, जहाँ पर हमें एक लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और उसका नाम था सिस्टर एडेलिना, जिसे एक क्रॉस पर लेटाकर एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाया जा रहा था क्योंकि उसे एग्रेस नाम के एक डेमन ने पजेस कर लिया था। इस एग्जॉर्सिज्म को फादर डुमेट्रो और 4 नन्स परफॉर्म कर रही थी और एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और एडेलिना की मौत के इल्जाम में डुमेट्रो और उन नंस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक न्यूयॉर्क के जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम निकोल था और जिसे इस सब के बारे में पता चलता है और वो अपने एडिटर से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके न्यूज़ को कवर करने के लिए पूछती है क्योंकि उसके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। अब फिर वो अपने बॉस से परमिशन लेकर रोमानिया के जेल में जाकर डुमेट्रो से मिलती है और वहाँ पर डुमेट्रो से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि एडेलिना ने एक लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे और उस लड़के ने उसे धोखा दिया था और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और वीक हो गई थी और इसी वजह से एग्रेस नाम के उस डेमन ने उसे पजेस कर लिया था। फादर उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उस पर 3 दिन तक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था और 3रे दिन उन्हें समझ आ गया था कि डेमन हार रहा है और वो उसे एडेलिना की बॉडी से निकलने वाले थे कि तभी बिशप गॉर्निक वहाँ पर आ जाते हैं और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। बिशप एग्जॉर्सिज्म को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडेलिना मेंटली बीमार है, ना कि उसे किसी डेमन ने पजेस किया है और एज अ रिजल्ट एग्जॉर्सिज्म कम्प्लीट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हॉस्पिटल जाते समय एम्बुलेंस में ही एडेलिना की मौत हो जाती है। निकोल को फादर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वहाँ से जाने लगती है और तब फादर उसे बताते हैं कि गॉड ने उसे वहाँ उनकी हेल्प के लिए भेजा है। निकोल फिर वहाँ से जाकर एक डॉक्टर से मिलती है जिसने एडेलिना का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर कहते हैं कि एडेलिना की बॉडी में एड्रेनल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से उसकी नसें काली पड़ गई थी और उसकी वोकल कॉर्ड भी डैमेज हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर को एडेलिना की बॉडी में काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली थी जो कि इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी और उस वजह से उन्हें आज तक उसके मरने का सही कारण नहीं पता चला था। निकोल वहाँ से निकलकर उसके बॉस को कॉल करके सारी बात बताती है और एडेलिना के होम टाउन के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म हुआ था। निकोल को उस टाउन में पहुँचते ही एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम तावियान था, जो कि उसे अजीब तरीके से देख रहा था। फिर निकोल उसी मोनेस्ट्री में जाती है जहाँ पर एडेलिना का फ्यूनरल चल रहा था। निकोल वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर निकोल एडेलिना की बेस्ट फ्रेंड सिस्टर वेडुआ को देखती है और वो उससे बात करने को जाती है, लेकिन वेडुआ भी सिर्फ इतना कहती है कि डुमेट्रो ने एडेलिना को नहीं मारा है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। निकोल ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर एडेलिना की डेड बॉडी थी और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। निकोल एडेलिना की बॉडी को नोटिस करती है और उसे एडेलिना पर बहुत तरस आता है। तभी तेज हवा से वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती है और उसके बाद में निकोल एक गेट से वहाँ के बेसमेंट पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे खून की बूंदें दिखाई देती है और थोड़ा और अंदर जाने के बाद में वहाँ पर वही क्रॉस दिखाया जाता है जिस पर एडेलिना को क्रूसीफाई किया गया था। इसे देखकर निकोल उन सब चीज़ों की फ़ोटो लेने लगती है कि तभी वहाँ पर बिशप आ जाते हैं और निकोल को ऐसा करने से रोक देते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। निकोल वहाँ से निकलकर एक होटल में जाकर रुक जाती है जहाँ पर मैनेजर से उसे टाउन के अजीब रिचुअल के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई नन पजस होकर मर जाती है
तो गांव के लोग मास्क पहनकर उस पजेसन के दिल को जलाकर उसके राखों को पानी में घोलकर पी जाते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी और के साथ में ऐसा ना हो। लोग मास्क पहनकर खुद को डेविल से छुपाते हैं ताकि वो डेविल उनसे बदला ना ले, और ये भी कहते हैं कि ये रिचुअल सिर्फ पहले के टाइम में किया जाता था, लेकिन अब लोग बस मास्क पहनकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद में निकोल पास के एक चर्च में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फादर एंटन से होती है। निकोल फादर एंटन से एडेलिना के बारे में पूछती है, जहाँ पर फिंडर में आए हुए दो लोगों के बारे में उसे पता लगता है कि सिस्टर यदुआ और एडेलिना का भाई स्टीफन था। फादर एंटन उसे कहते हैं कि अगर उसे ज़्यादा चीज़ें जानना है तो वो जाकर बिशप से मिले। अब अगले दिन निकोल जाकर बिशप से मिलती है, जहाँ पर बिशप उसे कहते हैं कि एडेलिना पजस नहीं थी, वो जब जर्मनी से होकर आई थी तब उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। बिशप डोमिट्रो के बारे में भी ये कहते हैं कि एक प्रिस्ट एक साल में सिर्फ दो एग्जोसिस्म कर सकता है, लेकिन डोमिट्रो ने 10 महीनों में 10 एग्जोसिस्म किए थे। डोमिट्रो हमेशा से ही चर्च की परमिशन न लेकर लोगों पर एग्जोसिस्म किया करते थे, और एडेलिना के केस में भी उन्हें चर्च से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। बिशप की बात सुनने के बाद में निकोल को लगता है कि डोमिट्रो ने एडेलिना का मर्डर किया है, और वो भी चीज़ों को जानने के लिए वापस मॉनेस्ट्री जाती है, लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा बंद था और इसीलिए उसे चुपके से अंदर घुसकर जाना पड़ता है। फिर वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर एडेलिना का एग्जोसिस्म हुआ था, और फिर निकोल उस रूम में जाती है जहाँ पर एडेलिना को रखा गया था। वहाँ पर उसे सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती है, और एडेलिना का एक टूटा हुआ नाखून भी मिलता है जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। निकोल को वहाँ पर एडेलिना और यदुआ की फ़ोटो भी मिलती है, जिसे लेकर वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ताव्यान खिड़की से बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद निकोल वहाँ से बाहर आती है तो देखती है कि ताव्यान एक क्रॉस के पोस्चर में खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो निकोल को किसी चीज़ से वार्न करना चाह रहा हो। अब निकोल होटल में वापस आती है, जहाँ पर उसे फिर से फादर एंटन दिखते हैं, और वो उन्हें डिनर के लिए पूछती है, जिसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर फादर उसे एग्जोसिस्म की 4 स्टेजेस के बारे में बताते हैं, जिसमें पहली स्टेज में उन्हें पता करना होता है कि डेमन कौन है, और मैक्सिमम केसेस में डेमन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जिसमें पजेस्ड पर्सन को कुछ भी खिलाना पिलाना नामुमकिन होता है। दूसरे स्टेज में स्मेल और हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें डेमन आपको डराने और खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करता है, और तीसरे स्टेज में डेमन की जीसस सीधी लड़ाई होती है, जिसमें डेमन इंसानी शरीर में रहने के लिए गॉड से लड़ाई करता है, और फोर्थ स्टेज में डेमन की पहचान हो चुकी होती है, और उसकी पहचान होने के बाद उसे सीधे हेल में भेज दिया जाता है। अब निकोल ये पूछती है कि एडेलिना की मौत कैसे हुई और डेमन हेल में क्यों नहीं गया, जिस पर फादर उसे कहते हैं कि एडेलिना का एक्सोसिस्म कंप्लीट न होने के कारण डेमन आज़ाद हो गया था, और अब डेमन को एडेलिना की बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, और उसने खुद ही एडेलिना को मार डाला था। डेमन वीक लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, वो किसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आकर उसकी बॉडी में, जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं, और अब वो डेमन किसी और को पजेस करेगा। फिर अब फादर निकोल को एक बुक देते हैं जिसमें सारी प्रोसेस के बारे में लिखा होता है, और उसमें से एक फ़ोटो निकालकर निकोल फादर से उसके बारे में पूछती है, जिस पर फादर कहते हैं कि कभी भी एग्जोसिस्म के दौरान दूसरे सोल भी हमारी हेल्प करती है। निकोल फिर अब वापस होटल में आकर अपना लैपटॉप में अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स को देखती है, तो उसे क्रॉस वाले पिक्चर में उसे कोई अननोन एंटिटी नज़र आती है, जिसके बाद निकोल उसके बारे में गूगल करने लगती है, और तभी अचानक से उसकी स्क्रीन में ग्लिच होने लगता है और उसे डेमन नज़र आता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। नेक्स्ट डे अब निकोल वेडुआ और स्टीफन से बातें करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वेडुआ उसे बताती है कि एडेलिना की जान लेने वाला एक डेमन था जिसे उसने खुद ही देखा था। फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें येडुआ एडेलिना के लिए खाना लेकर जाती है, और तभी एडेलिना वेडुआ का गला पकड़कर ऊपर उठा देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सीन अगेन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वेडुआ उसे ये भी बताती है कि एडेलिना जर्मनी में एक नैनी का काम किया करती थी, जहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और उसने उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए थे, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया, और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का गिल्ट भी एडेलिना को था, इसीलिए वो वापस अपने टाउन में आ जाती है, और आते ही फादर गैब्रियल को सरप्राइज देने के लिए जाती है, जहाँ पर फादर चर्च के बेल टावर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। उस इंसिडेंट से एडेलिना पूरी तरीके से टूट जाती है, इतना कि वो चर्च में जाने से भी डरने लगी थी, और डे बाय डे उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। निकोल अब वहाँ से निकलकर अपने बॉस को सारी बातें बताती है,
उस रात में फिर से फादर एंटन से मिलने जाती है, जहाँ पर एंटन उसे गॉड पर भरोसा नहीं करने की वजह पूछते हैं और निकोल उसे कहती है कि उसकी माँ कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, तब उसे ये बात पता चली। निकोल को काफ़ी रिसर्च करने के बाद में एक ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, लेकिन उसकी माँ ने यह कहकर ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया कि अब सब भगवान के भरोसे हैं। उस ट्रीटमेंट से उनके ठीक होने के चांसेस 90% थे और अगर वो भगवान पर अंधविश्वास नहीं करती तो आज उसकी माँ जिंदा होती। इसीलिए उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग गॉड के नाम पर अपनी लाइफ तक गिव अप कर देते हैं। एंटन निकोल को केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि वो खुद बहुत वीक है और भगवान से इतनी नफरत करती है तो उसे पजेस होने का खतरा ज़्यादा है। निकोल को अब तावियन दिखाई देता है, जो कि एक मास्क पहने था, और वो निकोल से कुछ कहता है जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता है। तो होटल के मैनेजर से उसका मतलब पूछती है और उसका मतलब ये था, ही इज़ वॉचिंग यू। और उसे ये भी पता चलता है कि वो लड़का बचपन से भूल नहीं पाता है। ये बात सुनकर निकोल को बहुत अजीब लगता है और वो अपने रूम में चली जाती है। रात के समय फिर निकोल जब सो रही थी तो उसे बार बार फादर एंटन के साथ इंटीमेट होने के थॉट्स आ रहे थे और अब वो भी पजेस होने वाली थी और वो टेमन ही उसे ये सब फील करवा रहा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप हिलने लगता है, जिसे बंद करने के लिए वो जाती है तो एडेलिना की स्पिरिट उसे डराती है और उसे देखने के बाद में निकोल बुरी तरीके से उसे डर जाती है। अगले दिन निकोल वडवा से मिलने जाती है, जहाँ पर वडवा उसे बताती है कि जर्मनी में उस लड़के से ब्रेकअप होने के बाद और फादर गैब्रियल की मौत के बाद एडेलिना पूरी तरीके से टूट गई थी और इसलिए डेमन ने उसे पजेस कर लिया था। वडवा ये भी बताती है कि एक रात वडवा की नींद खुलती है तो वो एडेलिना को तड़पते हुए देखती है और जब वो उसका ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो देखती है कि एडेलिना के प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारी मक्खियाँ चिपकी हुई थी। वडवा कहती है कि डेमन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक्सोसिज्म के दौरान डेमन ने रूम में बारिश करवा दी थी, जिससे कि एडेलिना के ऊपर से हॉली वाटर बह जाए। ये सब जानने के बाद में निकोल वहाँ से चली जाती है और अब निकोल नहा रही थी, तभी उसे अजीब सी आवाज़ आने लगती है और लाइट भी चली जाती है। तो इसीलिए निकोल टॉवल पहनकर बाहर जाती है और तभी कोई गेट को नॉक करता है तो निकोल गेट खोलती है और बाहर एंटन था। तभी लाइट आ जाती है और वो उसके लिए एक वाइन की बॉटल लेकर आया हुआ था। अगले सीन में निकोल और एंटन को इंटरमेट होते दिखा जाता है। फिर दूसरे दिन जब निकोल सोकर उठती है तो उसे एंटन का एक नोट मिलता है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वो बहुत थकी हुई थी तो शायद इसीलिए एक ग्लास पीते ही वो सो गई और एंटन वहाँ से चले गया। नेक्स्ट सीन में निकोल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर एडेलिना का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताती है कि एडेलिना को श्रिंजोफेनिया हो गया था, जिस वजह से वो अजीब अजीब चीज़ें हेलुसिनेट कर रही थी और उसे ये भी लगता था कि हम सब डेमन से और उसे मार डालेंगे। ये सब जानने के बाद में जब निकोल वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वो एंटन को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है। तभी उसे भी एक डेमोनिक प्रेजेंस हॉन्ट करती है और उससे डरकर वो कार से निकलकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर एंटन आकर उसे संभाल लेता है और वो उसे चर्च में ही रात रुकाने के लिए ले जाता है। अगली सुबह निकोल वहाँ से जाने का डिसाइड करके वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी उसे सूरज की किरणें दिखाई देती है और उसे उसकी माँ की याद भी आती है, जो कि उसे कहा करती थी कि सूरज की किरणें तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगी। जिसके बाद वो उन किरणों के पीछे जाने लगती है और एक ग्रेवयार्ड तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे फादर गैब्रियल की ग्रेव दिखाई देती है। उससे उसे पता चलता है कि गैब्रियल और उसकी माँ की डेथ भी एक दिन हुई थी और ये सब देखकर निकोल को कुछ कुछ समझ आने लगा था। फिर वो चर्च में जाती है और वहाँ पर जाकर निकोल एक सिस्टर से पूछती है कि आखिरी बार एक्सोसिज्म गैब्रियल ने किस पर किया था। तब उसे उसी बच्चे के बारे में पता चलता है जिसका नाम था तावियन, जो कि बोल नहीं सकता था। फिर निकोल तावियन के घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि तावियन नहीं बल्कि उसके पिता पजस्ट थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी। तावियन अपने पिता के लिए फादर गैब्रियल को बुलाकर लाया था और फादर गैब्रियल ने उन पर एक्सोसिज्म करके उन्हें बचाया था। फिर निकोल उनसे पूछती है कि क्या फादर ने डेमन का नाम बताया था, और ऑब्वियस सी बात है कि तभी फादर डेमन को तावियन के शरीर से निकाल पाए थे। तभी तावियन डेमन का नाम लिखता है, जो कि एग्रेस था, जिससे कि निकोल को अब सब कुछ समझ आ जाता है। सबसे पहले डेमन ने तावियन के पिता को पजेस किया था और फादर गैब्रियल उनका एग्जॉस्ट करने के लिए गए थे तो डेमन उनकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ था। फादर की उम्र ज़्यादा होने के कारण उनकी बॉडी में ज़्यादा टाइम वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुद ही फादर को मार डाला। सबसे पहले एडेलिना ने फादर को छुआ था, जिस वजह से डेमन का उसे सीधा कॉन्टैक्ट हो गया था
वो डेमन एडलिना की बॉडी में आ गया था और इसी प्रोसेस को ट्रांसफरेंस कहते हैं, जिसके बारे में एंटन ने निकोल को पहले बताया था। अब जब निकोल को गॉड पर विश्वास नहीं था और उसने चर्च के बेसमेंट में जाकर उस क्रॉस को छुआ था जिस पर एडलिना का एग्जॉर्सिज्म हुआ था, तभी से ही डेमन उसे पजेस करने लगा था, जिसके बाद में निकोल ताव्यान के घर से ही एंटन को कॉल करके सारी बात बताई रही थी कि तभी अचानक डेमन उस पर हावी हो जाता है और उस रूम में बारिश होने लगती है और तभी वहां पर फादर एंटन आ जाते हैं और ताव्यान और उसके पिता भी निकोल को बचाने के लिए एंटन की हेल्प करते हैं। इस बार उन्हें डेमन का नाम पता होने के कारण एग्जॉर्सिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करके एंटन डेमन को हेल में भेज देता है। एग्जॉर्सिज्म के बाद में निकोल एंटन को बताती है कि उसने उसकी माँ को देखा, जहाँ पर हमें ये समझ आता है कि निकोल और डेमन की फाइट में उसकी माँ ने भी निकोल का साथ दिया था। जैसा कि एंटन ने निकोल को बताया था कि कभी कभी स्पिरिट्स भी एग्जॉर्सिज्म करने में हमारा साथ देती है। फिर इसके बाद में एंटन और निकोल माँ से बाहर निकलते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के आखिर में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि डोमिट्रो और चार नंस को भी 7 साल की सजा हुई थी और जेल से छूटने के बाद में डोमिट्रो ने एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखकर लोगों की हेल्प की। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो हमने इस मूवी में देखा कि डोमिट्रो और 7 नंस ने मिलकर एक लड़की एडलिना पर एग्जॉर्सिज्म किया, लेकिन एग्जॉर्सिज्म की 4 स्टेज से पहले ही डेमन उसका शरीर से बाहर निकला और उसने एडलिना को मार डाला और उसकी मौत का इल्ज़ाम फादर और नंस पर आया। अब इस केस को स्टडी करने के लिए निकोल नाम की एक जर्नलिस्ट गई और उससे फादर एंटन मिलते हैं, जो कि उसे एग्जॉर्सिज्म की 4 स्टेज के बारे में बताते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से भी डेमन किसी को प्रेस कर सकता है और उसे ट्रांसफरेंस करते हैं। ठीक ऐसा ही एडलिना के साथ में हुआ था और यही सेम चीज़ निकोल के साथ में भी हो गई थी जब उसने उस क्रॉस को छुआ था। निकोल गॉड पर विश्वास नहीं करती थी तो इसीलिए डेमन उसे आसानी से पजेस कर लेता है, लेकिन जल्दी निकोल को ये पता चल जाता है कि उसे डेमन ने पजेस किया है और फादर एंटन उस पर एग्जॉर्सिज्म करके उस डेमन को उससे बाहर निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।